या लड़कियां भी अपनी फॉर्मल ड्रेसिंग, फॉर्मल लुक के साथ जाएं, कहीं कैजुअल बिहेवियर नजर नहीं आना चाहिए। इवन आपके बैठने के स्टाइल में भी कैजुअल बिहेवियर नजर नहीं आना चाहिए। सन आप टेक लगा के और बड़ा रिलैक्स होकर बैठे, रिलैक्स होना इज समथिंग एल्स, बट अटेंटिव होना चाहिए आप। अटेंटिवली आपको उनकी पूरी बात सुननी चाहिए और अटेंटिव होके आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आपकी सीरियसनेस जो आप में नजर आनी चाहिए। उसके अलावा और जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि दो एक्सपर्ट्स आपकी फील्ड के, या एक एक्सपर्ट, डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी इस दफ़ा नंबर ऑफ जो सीट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक्सपर्ट्स को शायद बारी बारी बुलाया जाए, तो दो दो एक्सपर्ट्स शायद ना हो, एक एक भी हो, डिपेंड करता है कि बीपीएससी इसके लिए क्या डिसीजन करता है। लेकिन असल सवाल ये है कि आपकी फील्ड का जो एक्सपर्ट होगा वो शायद कॉलेज से हट के भी आपसे सुना, एचईडी का रिप्रेजेंटेटिव अपने एरिया का इंटरेस्टेड ज़्यादा होगा। आपके जो मेंबर पीपीएससी होंगे वो शायद जनरल नॉलेज में, और जनरल नॉलेज भी मोस्टली रिलेटेड टू द लाइब्रेरीज, एंड मे बी समटाइम कभी कभार वो आपकी आपकी पोलिटिकल जो है वो अंडरस्टैंडिंग और पोलिटिकल ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह बात करते हैं, आपकी लीडरशिप स्किल्स को देखना चाहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे। अच्छा, इन इन सारी बातों को अगर हम साइड पे रखें और एक एक्सपर्ट की बात करें जो आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट मेनली, चूंकि ये मास्टर बेस्ड क्वालिफिकेशन होती है रिक्वायर्ड इसमें, तो मास्टर्स की हद तक वो कोई डिफरेंस नहीं कर सकता। यानी डॉक्टर खालिद महमूद ने जिस आपको बताया था कि आपने डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाए जाने वाले जो सिलेबस हैं उन पे नजर रखनी है, क्या पढ़ाया जा रहा है। और एक और चीज जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, मेरे पास टाइम शॉर्ट रह रहा है तो हमने क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। एक और चीज जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करूंगी वो है मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन। अच्छा, आपने जब कहीं से किसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करनी है तो आपने ये करना है कि अथेंटिक सोर्स पे देखिए। आप एमसीक्यूज की जो किताबें छपी हुई हैं वो 2 साल पुरानी थी, 3 साल पुरानी थी, और किसी भी जो सवाल का जवाब था, मतलब जैसे देखें रूबिन की एक किताब है, उसका लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, अब अगर 3 साल पहले एक किताब छपी है तो वो उसका जवाब पुराना ही देगी, तो आपको उसका नया जवाब तलाश करना है। अच्छा, आपको जो बेसिक किताबें हैं उनका आपको पता होना चाहिए, आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपकी जो कोर लाइब्रेरी साइंस है जिसमें क्लासिफिकेशन है, जिसमें टेक्टोनिक है, जिसमें फाउंडेशन है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज सोर्सेज है, कोर एरियाज के ऑथर्स कौन है, रीनाउंड उनके कौन से एडिशन चल रहे हैं, ये आपको इन चीज़ों का अंदाजा होना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ जो मैं आपसे कहूँ कि कोशिश करें कि बेसिक्स मैं आखिर में जाते जाते आपको एक मुझे लतीफ़ा याद आता है अक्सर कि मुल्ला नसीरुद्दीन का एक दिन बड़ा दिल कर रहा था कि हलवा खाऊं, तो वो एक शॉप पे गया और उसको कहता है शॉपकीपर को कि तुम्हारे पास सूजी है, वो कहता है हाँ जी है, कहता है चीनी है, कहता है हाँ जी है, कहता है घी भी है, तो कहता है हाँ जी है, मुझे आते हैं हलवा क्यों नहीं बनाते। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचती हूँ कि अगर इनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, इनके पास डिवाइस है, इनके पास गूगल सर्च इंजन है, इनको हमने सर्चिंग स्किल्स सिखाई हैं, तो ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन क्यों नहीं सर्च करते। इनको आपसे ज्यादा कौन जानता है प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि किस साइट पे रिलाई करना है, किस पे नहीं करना। देखिए, ग्लॉसरीज ऑनलाइन आपके पास रिलायबल अवेलेबल है, डिक्शनरीज आपके पास ऑनलाइन रिलायबल अवेलेबल है, आपके पास इंसाइक्लोपीडियाज ऑनलाइन अवेलेबल है, आप क्यों नहीं रिलायबल इंफॉर्मेशन की तरफ जाते। आपके पास, आपने पता करना है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की करंट सिचुएशन क्या, आप उसकी वेबसाइट पे चले जाए। अच्छा, दुनिया में जो डिफरेंट एसोसिएशंस काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान में डिफरेंट एसोसिएशंस काम कर रही हैं, इनके बारे में पढ़ें। देखें, आप जितना भी अपने प्रोफेशन के साथ आपको उसका अंदाज़ा होगा उतना ज़्यादा आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। आपके मुल्क में अब मसलन आप खुद कहते हैं कि जी मैं एम फिल कर रहा हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिसर्च पाकिस्तान में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में रिसर्च का क्या स्टेटस है, कितने जर्नल्स हैं जो एच ई सी रिकग्नाइज हैं, कितने जर्नल्स हैं, जी वॉइस अब ठीक आ रही है, कितने
कितने जर्नल्स हैं जो आपके HEC रिकॉग्नाइज्ड हैं? अच्छा, कितने जर्नल्स हैं उनमें से आप कौन से जर्नल है जिसको बेस्ट करार देते हैं, बेस्ट क्यों करार देते हैं, क्वालिटी ऑफ जर्नल्स कैसे जज की जा सकती है? अच्छा, आप किस किस तरह रिसर्चर्स को सपोर्ट कर सकते हैं? आई मीन वट एवर इज रेलिवेंट, आप जो जो आप अपनी क्वालिफिकेशन हायर क्लेम करते हैं आप इन्वाइट करते हैं, आप कहते हैं आपने लिखा हुआ है कि मैंने एमफिल किया है आपसे, ऑल्दो आपके क्वेश्चंस की नेचर मास्टर्स ही होगी लेकिन प्रैक्टिकली आपका आपको देखा जाएगा, एज होता है थोड़ा सा। एमफिल और पीएचडी के बच्चे जो हैं वो आमतौर पे कॉन्फिडेंस में कभी कभार बेहतर होते हैं, बट मैंने कभी कभार गलत बहुत एहतियात से इस्तेमाल किए, मास्टर्स के बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि बहरहाल ये मास्टर बेस जो है कोर्स जो है उसकी बेस पे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। बहुत सी बातें आप लोगों के साथ करने के लिए, बट ये बहुत ज़रूरी बात है जो मैंने आप लोगों के साथ की। अभी हमारे पास कुछ मिनट्स बाकी हैं 3 बजने में, आप अपने सवाल टाइप कर सकते हैं, मैं वन बाय वन उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। Please, any question? आप अपने questions type कीजिए, उसके साथ साथ मैं आपसे बात भी करती हूँ। तो आपने इन इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए आपने अपनी तैयारी करनी है, आपके जो core subject areas हैं उन पे आपकी नज़र लेनी चाहिए। और ये शक्कत अली कादरी लिख रहे हैं कुछ जी, सना अबाया बिल्कुल अलाउ, इंटरव्यू में साफ सुथरा बेहतरीन तरीके से कैरी करें, नो प्रॉब्लम, मैंने आज तक इसमें डिफरेंस या प्रॉब्लम फील नहीं की कभी। और टू डिबेट कंप्यूटर डिप्लोमा, अब्दुल मनान आप देखिए, आप मुझे कहते हैं कि मैडम मैंने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या कोई डिग्री ली हुई है, तो मेरा आपसे सवाल है वो मुझे कैसे मदद करेगा, लाइब्रेरी साइंस में कैसे मदद करेगा? यानी सो व्हाट का क्वेश्चन आपको देना चाहिए, आपको इस तरह से ध्यान करना चाहिए कि मेरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की फ्लां फ्लां एस्पेक्ट के लिए बड़ी मुफीद साबित हो सकती है, तो ये मेरी एडिशनल स्ट्रेंथ है जो मुझे इस जॉब के लिए सूटेबल करा देगी। ठीक है, अच्छा, आपने किसी सर्टन, मरियम आपने किसी सर्टन बुक के साथ स्टिक नहीं होना। देखिए, मैंने अभी आपको मुल्ला नसीरुद्दीन की मिसाल दी, आपके पास इस वक्त नेट है, आपके पास इस वक्त लैपटॉप है या मोबाइल है, आपके पास गूगल है, दुनिया की हर चीज़ आप देख सकते हैं, उस तक एक्सेस कर सकते हैं। अपनी किताबें ज़रूर, हाँ, लाइब्रेरी के अंदर आएँ, अपनी किताबें देखें कि कोर कौन सी किताबें हैं जो पढ़ाई जाती हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपको कुछ साल हो गए हैं यहाँ से गए हुए, लेटेस्ट वर्जन्स कौन से पढ़ाए जा रहे हैं, कौन से नए ऑथर्स हैं। जैसे आप देखें कि हमारी रिसर्च में लाइब्रेरियंस के रिसर्च के रिसर्च मेथड्स के हवाले से पावल की किताब बहुत बेहतरीन समझी जाती है। अच्छा, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में रूबन की किताब बेहतरीन समझी जाती है। तो हमें अपने मेन कोर एरियाज का पता होना चाहिए और अपने कोर्सेज को रिवाइज करें, अपने सिलेबस देखें, एक दूसरे के साथ सिलेबस शेयर करें डिफरेंट स्कूल्स के लोग, और उसके अलावा आप ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे जाएं और वहाँ से इवन लाइब्रेरीज की अपनी वेबसाइट्स विजिट करें, उनके करंट कलेक्शन देखें, उनके यहाँ डिफरेंट प्रोसीजर्स देखें कि कैटलॉगिंग किस तरह हो रही है, क्लासिफिकेशन किस तरह हो रही है, आपकी लोकल नीड्स का आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत सारी चीज़ें हम आइडियल करार दे के उसको समझ लेते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रखेंगे तो इंटरव्यू में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस। ओके जी, यहाँ पे एक सवाल है कि व्हाट विल बी द टाइम ड्यूरेशन। हाँ पूनम, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन ना आप पे डिपेंड करती है, हम उसको कितना बेहतरीन खींच के लेके जाते हो। मसलन आपने बड़ा, मैंने कई दफ़ा देखा कि इसलिए इंटरव्यू लंबा हो गया किसी का कि वो बहुत इंटरेस्टिंग था। यानी बाज़ात आप इतना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हो या अपना इंट्रोडक्शन इतना बेहतरीन करवाते हो कि उसमें बहुत सारे सवाल पूछने वाले तो वो पूछ लिए जाते हैं। दूसरा, इसके लंबा और छोटा होने की डिपेंडेंसी इस बात पर भी होती है कि पैनल कितना बड़ा है।
क्योंकि और कितने लोग सवाल कर रहे हैं, फर्ज करें तो ज्यादा लोग कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन वैसे ये होता बड़ा शॉर्ट टाइम है, आप समझेंगे ये 1 से 5 मिनट के दरमियान दरमियान जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है जी फायजा, कोविड की सिचुएशन में फेस मास्क हर सूरत है। अच्छा हाँ, आपको अगर वो ये कहें कंफर्टेबल करें कि फासला ज्यादा है, आप सांस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वो इजाजत दें तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। खासकर पैनल बहुत दूर दूर बैठा होता है, उन्होंने खुद फेस मास्क लिए थे, लेकिन अदरवाइज फैसिलिटीज के लिए ये हर सूरत बन जाए। इमरान अफजल, आपने बहावलपुर की बात की कि अप्लाई किया हो तो बहावलपुर से इंटरव्यू, पिछली दफ़ा इस तरह हुआ है कि चूंकि कोविड की सिचुएशन थी तो कुछ लोगों को ऑनलाइन इंटरव्यू अलाउ हुआ था कि वो बहावलपुर वाले ब्रांच में आ जाएं और वहां से ऑनलाइन कनेक्ट हों, लेकिन फिर वो सिचुएशन बेहतर हो गई तो वो लोग आ गए थे। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपका सिचुएशन कैसी है, तो अगर ये फिजिकली सबको बुलाते हैं तो आपको भी आना। तारुफ कितना लंबा होना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है शुरुआती। तारुफ ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, तारुफ में स्पेसिफिकली लिख लें अपने पास। अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती थी, बार बार रिहर्सल करें, सवाल रखें अपने सामने, वीडियो रिकॉर्ड करें और देखें कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा आपकी आपकी कहीं बात करने में हेजिटेशन तो नज़र नहीं आ रही, एनजाइटी तो नज़र नहीं आ रही। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, उनको सवाल का जवाब आता है लेकिन उनको लफ्ज़ों को आपस में मिला के प्रेजेंट करना नहीं होता। तो ये कब आएगा, जब आप बोलेंगे तो आप बहुत बोलें, आप अपनी बार बार वीडियोस रिकॉर्ड करें, इंग्लिश में भी उर्दू में भी आपकी ये फ्लुएंसी बेहतर होगी जवाब देने में, और आप लफ्ज़ों को आपस में जोड़ के एक जुमला बना सकेंगे। हम जब गुफ्तगू उर्दू में करते हैं, इंग्लिश में इवन अब उर्दू में भी, बेहतरीन अल्फाज चूज़ करना बहुत से लोगों के लिए इसलिए मुश्किल है कि वो लिटरेचर नहीं पढ़ते, अल्फाज की डिक्शनरी इतनी अच्छी नहीं होती आपके पास। तो आप कोशिश करें कि मुमकिन 10 सवाल अपने पास लिख लें, 20 लिख लें, और उसके सवालों का मॉक इंटरव्यू को कहते हैं, दो दो दोस्त इकट्ठे हो